नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन के जरिए गर्म हो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस की ओर से किसान महापंचायतें आयोजित की जा रही थीं, तो अब आम आदमी पार्टी भी इस राजनीतिक मौके का फायदा उठाते हुए 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत करेगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि इस किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। संजय सिंह सोमवार को मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लिया। टूलकिट मामले में दिशा रवि के सहयोगी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को पुलिस द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके बाद इन दोनों लोगों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। आज इनको लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने दावा किया है कि कनाडा की रहने वाली महिला पुनित ने निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क में लाया था। उन्होंने 11 जनवरी को जूम मीटिंग की थी। पुलिस ने कहा कि दिशा रवि के खिलाफ सबूत उनके सेलफोन डेटा से पाए गए थे। इसी के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि दिशा, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक ने टूल किट बनाया था और इसे संपादन के लिए दूसरों के साथ साझा किया था। पुलिस ने बताया कि शांतनु मुलुक का ईमेल अकाउंट टूल किट गूगल डॉक को बनाने वाला है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 83 दिनों से बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वो कृषि कानूनों को वापस कराकर ही जाएंगे, लेकिन अब इन बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या लगभग आधी रह गई है। किसानों की घटती संख्या को लेकर किसानों का कहना है कि ऐसा नई रणनीति के तहत किया गया है, अब आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इसी क्रम में अलग अलग राज्यों में महापंचायतें की जा रही हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों का कहना है कि पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए कुछ किसान गए हुए हैं, अगले 3-4 दिनों में सभी वापस आ जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने एक के बाद एक ट्वीट कर RSS पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि RSS उन लोगों के घरों को अलग अलग तरीके से चिन्हित कर रहा है जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये कुछ ऐसा ही है जैसे जर्मनी में नाजियों ने किया था, जब लाखों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने पूछा कि ऐसी बातों से देश कहाँ जाएगा। कुमार स्वामी ने दावा किया कि RSS का जन्म उसी समय हुआ जब जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए इस तरह की चिंताएं हैं कि अगर RSS नाजियों की तरह ही नीतियां लागू करेगा तो क्या होगा, देश में अब लोगों के मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में अघोषित आपातकाल है क्योंकि लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। JNU कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार समेत कई लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था और अब दिल्ली की एक अदालत ने JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया समेत 10 लोगों को राजद्रोह के मामले में 15 मार्च को तलब किया है। बता दें, दिल्ली पुलिस को 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई नारेबाजी के मामले में चार्जशीट दायर करने की अनुमति 1 साल पहले ही मिल गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि 9 फरवरी 2016 को संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर कन्हैया कुमार ने मार्च की अगुवाई की और अन्य 9 लोगों ने नारेबाजी की। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म केसरी और MS धोनी बायोपिक में किरदार निभाने वाले अभिनेता संदीप नाहर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। यह कदम उठाने से पहले उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया था। पोस्ट में उन्होंने अपनी पत्नी और सास पर आरोप लगाया कि वे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। नाहर मुंबई में रहते थे, उन्होंने अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से आई तबाही में अब तक 58 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। बचाव कार्य लगातार जारी है, अभी भी करीब 150 लोगों का कुछ भी अता पता नहीं है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सोमवार को घोषणा की है कि वो 6 जनवरी को संसद में भीड़ द्वारा की गई हिंसा की स्वतंत्र जांच कराने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना करेंगी, क्योंकि सभी को जानना बहुत जरूरी है कि 2 शताब्दियों में पहली बार संसद पर ऐसा कैसे हो पाया, ये किसकी विफलता के कारण हुआ। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इस हिंसा को लेकर महाभियोग का ट्रायल चलाया गया, लेकिन वो असफल रहा है और ट्रंप बरी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में काम करने वाली उस महिला से माफी मांगी जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ संसद भवन में एक अनाम शख्स ने बलात्कार किया। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महिला से माफी मांगी और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए।
26 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ मार्च 2019 में रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स के दफ्तर में रेप हुआ था और जिसने किया वो भी मॉरिसन की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के लिए काम करता था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का आज चौथा दिन है। मैच में भारत ने मजबूत पकड़ बना रखी है। भारत जीत से बस 6 विकेट दूर है। इंग्लैंड को जीत के लिए भारत ने 482 रनों का लक्ष्य दिया है। इसी का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट बहुत जल्द गंवा दिए हैं। भारत की ओर से अक्षर पटेल और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए हैं। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे चल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।